सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक आर्टिकल 370 जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर स्टेट को देश के साथ जोड़ा गया था और 70 साल में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हजारों सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, अपने जीवन का बलिदान दिया है। हजारों पॉलिटिशियन में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने लीडर खो दिए हैं, अपने वर्कर्स खो दिए हैं, हजारों बल्कि लाखों अगर 47 से ले लें सिविलियंस कुर्बान हो गए हैं। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ रखने के लिए बड़ी कुर्बानी के साथ हो, ये पहली दफा अटेम्प्ट नहीं हुई, लेकिन जब जब भी इस तरह की अटेम्प्ट हुई, कश्मीर के अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम, लद्दाख के अवाम हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे, हर वक्त खड़े रहे, दुख दर्द में खड़े रहे। ये सत्य है, कुछ लोग थे वहां हैं, और 47 जो एक्सेशन के खिलाफ थे, something historical has happened. Is not ordinary day to day functioning of the bills and passes. So far, I strongly condemn the act of two or three members of the parliament, none from my party and none from us, those who are sitting here. We stand by the Constitution of India. हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन हम कंडम कर जिसके द्वारा हम उसको, उस एक्ट को कंडम करते हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को जलाते हैं, या उसको जलाया नहीं, या उसको फाड़ते हैं। लेकिन आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया, डेमोक्रेसी का मर्डर किया, जिस संविधान के द्वारा, जिस आर्टिकल 370 के द्वारा हमने हिंदुस्तान को कश्मीर दिया, आज उसी संविधान और अजीब लोकतंत्र को मोदी सरकार ने तुझे खुशियां उड़ा दी, इसीलिए हम दोबारा प्रोटेस्ट। हाँ, चलो वापस।